तो देखिए यहाँ पे लोगों का उत्साह, लेकिन अभी हमारे साथ है केदार जाधव, चंदू बोर्डे जी और हर्षद मिश्र जो कि महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है महाराष्ट्र की। चंदू जी क्या कहेंगे आपको, क्या कितना विश्वास है, लोगों का उत्साह दिखाई दे रहा है, मानो आपको याद ही आ रही है। हाँ जी हाँ, जिस प्रकार से एक आज के जो खिलाड़ी है अपने, उसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल मुझे बड़ा अच्छा दिख रहा है। और ऐसा है ना, इतने प्लेयर्स है अभी, इसलिए ये अच्छी सिचुएशन महाराष्ट्र आपके इंडिया के लिए है, क्योंकि ये सब खिलाड़ी अपना अच्छे प्रदर्शन करने के लिए और ज्यादा प्रयत्न करेंगे और उसका फायदा टीम के लिए होगा। तो भारत के टीम के और अपने इंडिया में खेल रही है, तो उसका सब जो वातावरण का उनको अनुभव है, तो उसका फायदा टीम के लिए बड़ा अच्छा होगा। केदार जी आप क्या कहेंगे, केदार आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको, ट्रॉफी पुणे में है और मानो वर्ल्ड कप जीत कर इंडिया की टीम लौटी है। मुझे लगता है ये बहुत छोटा सैंपल है हम लोग जो रैली निकाल रहे हैं, और वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद दूसरे दिन इससे बड़ा रैली आपको पूरी इंडिया में दिखेगा, तो यही मेरी आशा है। हसब जी आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको, क्या लगता है इस बार वर्ल्ड कप का दावेदार भारत है क्या? जरूर जरूर, वर्ल्ड कप का दावेदार भारत है, और ये जो MCA ने एफर्ट लिया ये रैली का, ये और ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करेगा अच्छा करने के लिए। माहौल देखिए आप, केदार जाधव भी है, हदम जी भी है, और मेन चंदू बोर्डे जिन्हें याद आ रही है 1983 की, जब भारत वर्ल्ड कप पहली बार जीता था, फिर 2011 में और अब 2023 में भी भारत ही दावेदार है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। कैमरन कोवल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।